अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हो गया, मैले डिहाइड्रोजनेज हो गया, ठीक है। इसके ये जो पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज कर लोगे तो उसमें चार या पांच तो वाइटामिन इसी में कवर हो जाते हैं। अल्फा कीटोबुटेरेट आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों के जो एनएडीपी है इसके रिएक्शन जो है यहाँ पे तो दो है, आगे भी मेरा मैंने एक आध लिखा हुआ, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज और ग्लूटाथियोन रिडक्टेज, ठीक है। इसको मैं दिखा देती हूँ, एक तो देखो ये मैंने आपको कहा था पीडीएच कॉम्प्लेक्स कर लो तो दो या तीन तीन चार वाइटामिन हो जाते हैं। तो ये देखो थायमिन पाइरोफॉस्फेट भी इसमें कवर हो जाता है, इसमें एफएडी कवर हो जाता है, एनएडी कवर हो जाता है और पेंटोथेनिक एसिड भी कवर हो जाता है, विटामिन बी फाइव, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाओ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एथेनॉल से कन्वर्जन हो रही है टू एल्डिहाइड, ठीक है। और उसके बाद लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, मैलेडिहाइड्रोजनेज है, ठीक। एल्डोज है कि वो वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो हमने किया था आईज के अंदर, लेंस के अंदर कैटराइट बनने में, ठीक है। अच्छा एच एम जी को रिडक्स ये कर लो, इसका फायदा ये है कि ये आप लोगों ने कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में यार एंजाइम्स में भी मेरा ख्याल है पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाओ जी सिक्स पी डी है, ये एनएडीपीएच के लिए है, एनएडीपीएच के लिए जी सिक्स पी डी लिया है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, व्हाई एरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी इंक्रीजेस इन थायमिन डेफिशिएंसी, इंक्रीजेस तो नहीं मैंने कहा, एक्टिविटी डिक्रीज होगी। देखो जब थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो थायमिन पाइरोफॉस्फेट ऑफ कोर्स बॉडी में नहीं है, कम है, तो क्या होगा कि ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ना, बिकॉज इट रिक्वायर्स कोएंजाइम थायमिन पाइरोफॉस्फेट। तो ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। आप चेक कर सकते हो कि आप एक पेशेंट का सीरम लिया, उसमें से आपने आपने जो है सब्सट्रेट डाला और देखा ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी कितनी, ठीक है। अब उसी पर्सन के अंदर अगर आप थायमिन पाइरोफॉस्फेट दे के चेक करोगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन ओरिजिनली जो पेशेंट के अंदर एक्टिविटी कम होगी, ठीक है, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। अच्छा जी बच्चों आज का शुरू करते हैं। बुक के अंदर अगर इंक्रीज लिखा हुआ है ना बेटा, तो बुक के अंदर किसी और वर्डिंग में लिखा होगा इंक्रीज, उसका मतलब ये होगा कि ओरिजिनली ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन अगर पेशेंट में आप दे दोगे तो इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर थायमिन फॉस्फेट उस रिएक्शन में इंट्रोड्यूस करा दोगे तो इंक्रीज होगी। याद से दोबारा से देख लो, आपको गलतफहमी हुई है, कॉमन सेंस से काम लो ना। ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी जो है इट रिक्वायर्स थायमिन पाइरोफॉस्फेट, अगर थायमिन पाइरोफॉस्फेट कम है तो ऑटोमेटिकली एक्टिविटी विल डिक्रीज, लेकिन अगर आप इसको उसको इंट्रोड्यूस करोगे फिर इंक्रीज होगी, ठीक है। थायमिन का स्ट्रक्चर सॉरी नाइसिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा एक बच्चे ने विटामिन सी का क्वेश्चन किया बेटा, ये एंड पे आप कर लेना, ठीक है, ये उससे भी पिछले लेक्चर वाला है, एंड पे एक दफा टाइम बचेगा ना फिर आप पूछ लेना, फिर हम इसको कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी अब यहाँ से हमने शुरू करना है बच्चों, यहाँ तक मैंने बता दिया था कि पेलेग्रा भी डिस्कस हो गया था, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हमने ये कहा था कि नाइसिन जो है वो की कमी हो जाती है इन कॉर्न ईटिंग पॉपुलेशन, ठीक है। सो जो पॉपुलेशन कॉर्न जिन पॉपुलेशन के अंदर कॉर्न खाई जाती है उनके अंदर क्या होता है कि नाइसिन की डेफिशिएंसी होने का चांस है, बिकॉज कॉर्न के अंदर नाइसिन कम है और ट्रिप्टोफैन भी कम है। अच्छा उसके बाद हमने ये इशू सुना था, ठीक है, ये अभी तक हमने सारी बात की डेफिशिएंसी की, डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि डेफिशिएंसी में पेलेग्रा होगा, ठीक है। अब नाइसिन के अंदर बच्चों एक्सेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, नाइसिन में एक्सेस कैसे इम्पोर्टेंट है कि नाइसिन जो है उसमें कुछ इसका एक इन्फेक्शन ये है कि अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट में देते हो ना, ज्यादा अमाउंट में देते हो एट डोसेज ऑफ 1.5 ग्राम्स पर डे, तो ये फैट ब्रेक डाउन को रोकती है, इट इनहिबिट्स लाइपोलिसिस इन द एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब क्या होगा कि लाइपोलिसिस जो है, यहाँ पे मैं इस फिगर से आपको समझाती हूँ, ये एडिपोज टिश्यू है, फैटी टिश्यू, ठीक है। जब आप पेशेंट को हाई डोज नाइसिन देते हो, हाई डोज इज वेरी हाई डोज, मतलब 1.5 ग्राम्स पर डे, ठीक है, जबकि इसका जो नॉर्मल आरडीए है वो तो 10 to 20 मिलीग्राम्स पर डे है, ठीक है, 10 to 20 मिलीग्राम्स, वो मिलीग्राम्स में, अगर आप वेरी हाई डोजेस देते हो एज इन 1.5 ग्राम्स पर डे,
तो क्या होता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर नाइसिन लाइपोलिसिस को कम करता है. लाइपोलिसिस मीनिंग द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स. ठीक है, जब लिपिड्स का ब्रेक डाउन कम हो जाएगा, ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड्स कम रिलीज होंगे. ठीक है, उससे होगा जब ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड्स कम रिलीज हुए तो वो लिवर में कम फ्री फैटी एसिड्स आएंगे, लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स कम सिंथेसाइज होंगे. ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स कम होंगे तो VLDL LDL का लेवल कम हो जाएगा. ठीक, इन दोनों का लेवल कम हो जाएगा और एट द सेम टाइम जो नायसिन है इट इंक्रीजेस द HDL. ठीक है, ये VLDL LDL को लोअर करता है, HDL को ज्यादा करता है. सो जिन लोगों के अंदर हाइपर लिपिडीमिया होता है या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया यानी हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, ठीक है, उनके अंदर नायसिन बेनिफिशियल इन हाई डोजेस. सो कुछ जो है ना ट्रीटमेंट अंदर ये दिया जाता है नायसिन. ठीक है, अच्छा ये कुछ ट्रीटमेंट्स में जो है हाई डोज नायसिन दिया जाता है. मैं इस मैकेनिज्म वायरस से रिपीट कर देती हूँ. एडिपोज टिश्यू के अंदर नायसिन बेसिकली डिक्रीजेस द लाइपोलिसिस. लाइपोलिसिस क्या चीज है? ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स. लाइपोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स को नायसिन डिक्रीज करता है. जब लिपिड्स का ब्रेकडाउन डिक्रीज होगा तो ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड्स डिक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, वो फ्री फैटी एसिड्स जब कम होंगे, कम फ्री फैटी एसिड्स लिवर में जा रहे हैं, कम ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस हो रहा है. जब ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस लिवर में कम हो रहा है, VLDL LDL लोअर हो रहे हैं. ठीक है, और ऑल्सो द नायसिन ऑल्सो इंक्रीज द HDL level. So this is used for the treatment of type 2 hyperlipoproteinemia. या आप सिर्फ हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया कह देते हो तो इट इज फाइन. ठीक है, सो क्या है कि जब इतनी ज्यादा हाई डोजेस के अंदर नायसिन दिया जाएगा तो देन देयर इज अ चांस कि इसकी टॉक्सिसिटी भी है. ठीक, सो टॉक्सिसिटी होता है तकरीबन 2 to 4 grams पर डे पे. अब कई लोग ज्यादा सेंसिटिव अगर होंगे तो उनको 0.5 grams पर डे पे भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा वैल्यू है ना. कहाँ से आप मिलीग्राम से उठे थे 10 to 20 milligram से, तो आप 2 to 4 gram पे आ रहे हो. ठीक है, सो टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या है? एक तो वेजोडाइलेशन. ठीक है, बॉडी के अंदर वेजोडाइलेशन हो जाएगी, स्किन रेड हो जाएगी. ठीक, पेनफुल फ्लश, बर्निंग सेंसेशन, हाइव्स एंड रैश. ठीक है, इसे हम नायसिन फ्लश कहते हैं. फ्लश का मतलब होता है ब्लश जिस तरह होता है, स्किन बहुत ज्यादा रेड हो गई. ठीक है, खासतौर पे फेस की स्किन, चीक्स वगैरह. ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग, ब्लर्ड विजन है, लिवर डैमेज एंड इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस. अब ये देखो, दिस इज स्किन फ्लश के पूरा फेस जो है इतना एक्सेसिवली रेड हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेजोडाइलेशन कॉज्ड बाय नायसिन. ठीक है, आगे हार्टिप डिजीज. अच्छा जी, आपने इसके डिजीजेज में कौन कौन से पढ़े? पेलेग्रा पढ़ लिया. ठीक है, उसके बाद आपने टॉक्सिसिटी पढ़ ली. अब एक चीज होती है बच्चों, हार्टिप डिजीज ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है. ठीक है, इसका सिनेरियो आ जाता होता है. दिस इज ये है ना इनहेरिटेड डिजीज है, ये फैमिली में भी रन करता है. सो बेसिकली इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. होता क्या है बच्चों, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ. जो इंटेस्टाइन है और किडनी है उसमें जो अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर है, दे आर नॉट ट्रांसपोर्टिंग ट्रिप्टोफैन बैक इनटू द ब्लड. जो ट्रिप्टोफैन ट्रांसपोर्ट है इन द किडनी या इन द इंटेस्टाइन, वो डेफिशिएंट है. ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं कि ये सोडियम और अमाइनो एसिड को इकट्ठे अंदर लेके जाते हैं. आप लोगों ने ये वहां पे पढ़ा था जहां आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पढ़े थे बिल्कुल शुरू में सेल में. ठीक है, सो क्या होता है कि सोडियम और अमाइनो एसिड्स को इकट्ठे ट्रांसपोर्ट करते हैं. अगर इफ देयर इज अ डिफेक्ट इन द ट्रिप्टोफैन ट्रांसपोर्टर, और ये कौन सा होता है जो पैदाइशी होता है, इनहेरिटेड होता है. सो क्या होगा, ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा. जब ट्रिप्टोफैन कम एब्जॉर्ब हो रहा है तो नायसिन बॉडी नहीं बन रहा, नायसिन नहीं बन रहा तो सारे सिम्टम्स जो है ना वो पेलेग्रा वाले हो जाते हैं. सिम्टम पेलेग्रा वाले हैं, लेकिन दिस इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर. यहाँ पे जो है वो डाइट का इशू नहीं है. ठीक है, डाइट में हो सकता है आप ठीक ट्रिप्टोफैन ले रहे हो, लेकिन ये है कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा से. So affecting the absorption of tryptophan in small intestine and kidney. So problem क्या होगी? Failure to thrive, photosensitivity, intermittent ataxia, nystagmus and tremor. ठीक है, ये तो बहुत non-specific से, वैसे सही वाले जो है ना उस वाले symptom भी आते हैं, पेलेग्रा वाले. So increased amounts of amino acids in the urine. Of course जब amino acids एक kidney से absorb नहीं हो रहे तो वो urine में आ जाएंगे. ठीक है, impaired absorption of tryptophan, decreasing the concentration of the precursor tryptophan for niacin synthesis. ठीक, आगे चलो. आगे चलो बच्चों, इसमें जो है नायसिन में एक और चीज आ जाती है, कार्सिनोइड ट्यूमर्स.
आप लोगों ने शायद पढ़ा हो सुना हो, पिछले दिनों इंडिया में एक एक्टर की डेथ हुई थी, इरफान खान आई थिंक उसका नाम था। तो वो भी क्या डिजीज था बच्चों, उसको कार्सिनोमा ट्यूमर्स थे। अब ये ट्यूमर क्या होते हैं कि नॉर्मली आपकी बॉडी में जो कैंसर होता है, माफ करें, यानी किसी पेशेंट की बॉडी में कुछ जो कैंसर होता है वो कहाँ एक एक जगह पे लिमिटेड है ना, अनलेस के चलो मेटास्टेसिस की तो बाद में बात है क्या एक जगह पे होता है। अब ये जो कार्सिनोमा ट्यूमर्स होते हैं ना बच्चों, ये छोटे 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 से कैंसर हैं जो थ्रू आउट द इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इनके बहुत सारे मैकेनिज्म है, बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी डालते हैं बाकी, लेकिन एक जो मैकेनिज्म इनका ये है कि ये अमाइक्टोफैन को यूज करके बहुत एक्सेस में सेरोटोनिन बनाते हैं, ठीक है। सो है कि बॉडी में ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, जब ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है नाइसिन कम बनता है, सो नाइसिन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिससे पेलेग्रा के भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको फिगर से दिखाती हूं, आपको याद रहे, ये देखो ये आपकी, ये देखो बच्चों दिस इज अ कार्सिनोमा ट्यूमर सेल। इंटेस्टाइन के अंदर ये कार्सिनोमा ट्यूमर्स होते हैं, छोटे छोटे मल्टीपल ट्यूमर्स होंगे, हजारों में कई दफा होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो कार्सिनोमा ट्यूमर है इट इज यूटिलाइजिंग द ट्रिप्टोफैन, और ये पूरी आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। ट्रिप्टोफैन को यूज किया, बना क्या रहा है, सेरोटोनिन, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट जब ट्रिप्टोफैन यूज कर रहा है, सेरोटोनिन बना रहा है, तो क्या होगा कि ट्रिप्टोफैन की सारा यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। जब ट्रिप्टोफैन यूटिलाइज होगा तो नाइसिन बनाने के लिए कम रह जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट नाइसिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, सो वन ऑफ द कॉजेस देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा सेरोटोनिन के इफेक्ट्स क्या है। बेटा सेरोटोनिन एक नॉर्मल हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ पे आपको उसको की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि हार्मोन होता है जो ब्रेन से भी सिक्रीट होता है, और ये बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर, मूड रेगुलेशन के अंदर, स्लीप के अंदर, और जो है ना स्लीप वेक साइकिल के अंदर, इस तरह की बहुत सारी चीजों के अंदर है। सो नॉर्मल अमाउंट्स में तो इसका कोई इशू नहीं है, और बल्कि इट कहना चाहिए कि ऑफ कोर्स नेसेसरी, ठीक है, उसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स एक्सेसिव अमाउंट्स के अंदर पेशेंट को प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सेसिव स्लीप भी हो सकती है, टेम्परेचर की डिसरेगुलेशन भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक। हमारे यहाँ पे इसका मकसद सेरोटोनिन नहीं है, यहाँ पे हमारी बात का मकसद यह है कि ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनती है, बहुत ज्यादा ट्रिप्टोफैन यूटिलाइज हो जाता है। जब ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है तो वो नाइसिन नहीं बना सकता, नाइसिन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों आपने याद रखना है कि बाकी डिजीजेस में तो आप लोगों ने एक एक दो चीजें पढ़ी ना, एक एक दो दो चीजें आपने खींच, जस्ट सिर्फ अक्सर विटामिन में आपने सिर्फ एक डेफिशिएंसी की, लेकिन नाइसिन ने क्या क्या किया, पेलेग्रा भी किया, हार्ट नेट डिजीज किया, टॉक्सिसिटी लेदर से पढ़ी, उसके बाद कार्सिनोमा ट्यूमर भी पढ़ा, ठीक है। आगे चले बायोटिन, ठीक है। बायोटिन इज विटामिन B7। अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन से विटामिन कर लिए हैं, विटामिन सी कर लिया है, B1 कर लिया, B2 कर लिया, B3 कर लिया, ठीक है। B5 6 जो है वो आगे आ रहे हैं, B7 पहले आ गया, ठीक है। ये मैंने कुछ रीअरेंजमेंट किया हुआ था, शायद आगे पीछे हुआ हुआ है। क्वेश्चन क्या है, दिस कॉजेस नाइसिन डेफिशिएंसी, सो व्हाट कॉजेस दीज ट्यूमर्स। जो कार्सिनोइड है ना बेटा, इसकी अक्सर ट्यूमर्स की कोई कॉज नहीं पता, हमारी बॉडी में जो अक्सर ट्यूमर्स होते हैं उनकी कोई कॉज नहीं पता, सिर्फ कुछ ट्यूमर्स की पता होती हैं, जिस तरह से जिनकी डायरेक्ट कोरिलेशन है, जिस तरह से लंग सर्टिस डायरेक्टली रिलेटेड टू सिगरेट स्मोकिंग। और फिर भी ये होता है कि सारी पॉपुलेशन ऐसी है कि जो जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की उनको भी लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। सो ये कि डायरेक्ट कॉजेस नहीं पता, मल्टीपल कॉजेस हो सकती हैं। हमारी आजकल में बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें, पेस्टिसाइड्स हैं, सिगरेट स्मोक्स हैं, वैसे तो ठीक है। और दूसरी बात ये कि फैमिलियर टेंडेंसी भी होती है, लोगों की फैमिलीज में कुछ कैंसर्स रन करते हैं, ठीक है। सो अभी B5 B6 जो है ना बेटा वो आगे आ रहे हैं, सो हमने पहले करना है B7 बायोटिन। B7 सा विटामिन है और इसमें बहुत ही कम चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर पहले देखो कि इसकी RDA जो है ना बच्चों, RDA नोट कर लें, 0.1-0.3 मिलीग्राम्स पर डे। आई वुड रिकमेंड कि आप मिलीग्राम्स में नोट करो, क्योंकि अभी मैंने अभी तक आपको सारी ये सारी जो है ना वो मिलीग्राम्स में बताई। सो कितनी है, 0.1-0.3 मिलीग्राम्स पर डे। मैंने किया
0.1 to 0.3 mg/day. अब क्या होता है बच्चों, आप लोगों में से कोई कर रहा है क्या, कर रहे हो? हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे बायोटिन, इनकी जो नॉर्मल आरडीए है दैट इज 0.1 to 0.3 mg/day. और बच्चों बायोटिन का नाम जब आएगा ना, तो आपने ये याद रखना है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर आपने किसी सब्सट्रेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड करनी हो ना, तो वहां पे आता है बायोटिन का रोल. ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलेशन होनी हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग होनी हो, तो देन बायोटिन कम्स इन प्ले. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिएक्शन जो भी कार्बोक्सिलेशन होंगी ना, दे विल रिक्वायर बायोटिन एज अ कोफैक्टर. ठीक है, सोर्सेज आप कॉमन वही जो फल, योक, लिवर, पीनट्स, चीज, ठीक है, ऑर्गन मीट्स. ऑर्गन मीट्स कौन से होते हैं जो वो ऑर्गन्स के अंदर, जिस तरह हार्ट, हार्ट खा लो, या लिवर है, या किडनीज है, या ब्रेन है, तो इनके अंदर है ना वो ज्यादा होंगे, बायोटिन ज्यादा होगा. सोयाबीन्स है, फिश है, होल ग्रेन्स है. अच्छा, कुछ हद तक जो बायोटिन है इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया. ठीक है, आगे चलते हैं स्ट्रक्चर. अब इसमें मैं आपको सिर्फ क्या बताना चाहती हूँ कि ये सल्फर कंटेनिंग है और नाइट्रोजन कंटेनिंग है. इस तरह का हमने देखा था थायमिन वाज आल्सो अ सल्फर कंटेनिंग विटामिन. ठीक है, सो थायमिन भी सल्फर कंटेनिंग था और थायमिन में नाइट्रोजन भी था. ठीक है, इसी तरह से जो बायोटिन है इट इज ऑल्सो अ सल्फर कंटेनिंग विटामिन. अच्छा, तो बायोटिन जो है बच्चों सिर्फ बेसिक, इसको सिर्फ क्या, एक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज से ट्रांसफर रिएक्शन. ठीक है, हाँ जी, ये बायोटिन वही होता है जो हेयर ग्रोथ और सप्लीमेंट्स में यूज होता है. ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, जो नायसिन है वो बहुत ज्यादा आजकल स्किन केयर में आ रही है, कि स्किन के जो सीरम्स हैं, खासतौर पे एक्नी सीरम्स हैं, उनके नायसिन, नायसिनामाइड, आपने नाम शायद सुना, बहुत ज्यादा उसका रोल है. ठीक है, इसी तरह ये जो हेयर हेयर ग्रोथ, ऑफ कोर्स ये जो हेयर ग्रोथ और ये चीजें होती है, इनमें वेसिकल्स ही होते हैं ना. ठीक है, सो बायोटिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर रिएक्शन में है. फॉर हर एंजाइम जो कार्बोक्सिलेज, ठीक है, आपको पता है कि कार्बोक्सिलेज क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करती है. सो एथिल को ए कार्बोक्सिलेज, प्रोपियोनाइल को ए कार्बोक्सिलेज, पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, बीटा मिथाइल प्रोटोनाइल को एक्सिलेज. अगर ये मुश्किल लग रहा है तो पहले तीन नाम कर लो. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखो एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज क्या कर रही है. एसिटाइल को ए है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करना है. जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होगा वहां बायोटिन यूज होगी कोएंजाइम. ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करता है और इस इससे क्या बन जाता है, मेलोनाइल कोए. ठीक है, एसिटाइल कोए और मेलोनाइल कोए. अब यहाँ देखो, यहाँ वन टू टू कार्बन थे, 1 2 3 3, ये एक कार्बन कहाँ से आया, कार्बन डाइऑक्साइड से. ठीक है, एक ये रिएक्शन हो गया. आगे देखो प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज. एक बच्ची कह रही है मैं बहुत तेज चल रही हूँ. मैं कहाँ से तेज चल रही हूँ बच्चों, मैं थोड़ी भी करी जा रही हूँ. चीज इतनी छोटी छोटी सी है तो क्या करूँ. अब बायोटिन है, उसमें सिर्फ आपने आरडीए पढ़ी, ठीक है, आपने ये पढ़ा कि उसके अंदर कौन से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. ठीक है, सो इसमें क्या क्या और करूँ उससे ज्यादा. अच्छा जी, सो हमने बात की थी एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की. एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज के बाद अगला रिएक्शन देखो, ये वाला एसिटाइल एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज वाली वाली स्लाइड देखनी है आपने. चलो ये हो गया. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो मेलोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज. ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है बच्चों, ये तो मैंने आपको ना जस्ट ये फिगर दिखाई है, सारे एरोज आपने नहीं करना है, ये सारा कुछ नहीं करना. प्रोपोनाइल कोए लिखो, एरो लगाओ, और आगे लिखो, लिख दो मिथाइल मेलोनाइल कोए. ठीक है, और आपने क्या करना है, ये एटीपी एडीपी भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लिखने की जरूरत है. ठीक है, बिकॉज इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिएक्शन. क्या हुआ कि प्रोपेनाइल कोए लिखा, एरो लगाया, मिथाइल मेलोनाइल कोए लिखा, ऊपर एंजाइम का नाम लिखना है, प्रोपेनाइल कोए कार्बोक्सिलेज बायोटिन लिखनी है और कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है. अब कहीं जगह आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्म में लिखी भी मिलेगी,
और ये जगह पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट इस तरह भी लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो बच्चों पहला रिएक्शन था एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज का, अब नेक्स्ट रिएक्शन है प्रोपाइल कोए कार्बोक्सिलेज का, ठीक है। ठीक हो गया, प्रोपेनॉल कोए में एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड कर दोगे तो बन जाएगा मिथाइल मैलोनाइल कोए। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इट अल्टीमेटली फॉर्म सक्सेनाइल कोए, वो बाद की बात है, बस आपने ये रिएक्शन करना है, ठीक है। आगे पाइरोकार्बोक्सिलेज, वेरी वेरी कॉमन रिएक्शन। पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज में क्या है बच्चों, पाइरोवेट लिया, एरो लगाया, एंजाइम का नाम लिखो पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज, बायोटिन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स। सो पाइरोवेट और क्या बन जाता है, ऑक्सैलोरेटेड। अब ये देखो कि पाइरोवेट होता है बच्चों थ्री कार्बन, 1 3, ठीक है, 1 2 3, और जो ऑक्सैलोएसिटेट है दैट्स 4 कार्बन, 1 2 3 4। सो ये जो तीसरा कार्बन था दो ऑक्सीजन के, कहाँ से आए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी तक तो सिंपल है ना, बेसिकली जो है NADH वाले जो थे नायसिन और राइबोफ्लेविन वो ज्यादा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो एस्कॉर्बिक एसिड था वो ऑक्सीडेंट के उसमें कर रहा था, और बेसिकली जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, और जो बायोटिन है वो इट इज पार्टिसिपेटिंग इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज पाइरोवेट कार्बोक्सिले। कैसे हुआ, पाइरुवेट एरो लगाया ऑक्सैलोएसिटेट, ठीक है, ये अच्छे रिएक्शन देखे हुए, आप इसी तरह से याद कर लो, इसमें ये आपको ये फिगर्स बनाने की जरूरत नहीं, ये जो ऊपर ये स्ट्रक्चर्स है ना इनकी जरूरत नहीं है। पाइरुवेट एंजाइम कौन सी है, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करें, और जो कोफैक्टर है दैट इज बायोटिन, ये मेंशन करना जरूरी है, और आगे क्या बन गया, ऑक्सैलोएसिटेट। इसी तरह बच्चों दूसरा है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोए टू मैलोनाइल कोए, एसिटाइल कोए के अंदर एक और कार्बन डाइऑक्साइड करते हो मैलोनाइल कोए बन जाता है, प्रोपेनॉल कोए में एक और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हो इसमें मिथाइल मैलोनाइल कोए बन जाता है, और एंजाइम इस प्रोपेनॉल कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये चैटर्जी में से है। ठीक है, बायोटिन छोटा सा है, इजी सा है, क्या था, अच्छा बच्चा अब इसकी डेफिशिएंसी, अगर बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, देयर इज नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन, इसमें भी ना सारा कुछ ना स्पेसिफिक सा है, नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन इन द आर्म्स एंड लेग्स, इनफ्लेम्ड स्किन, टंग, लिप चेंजेस, रेड स्केली रैश अराउंड द ईयर्स, नोज एंड माउथ एंड हेयर लॉस, ठीक है, वो जो बात हो रही थी हेयर सप्लीमेंट्स की, सो हेयर लॉस। अब ये देखो बच्चों कि इसमें जो सारे सिम्टम्स है ना वो नॉन स्पेसिफिक से हैं, यानी कि इसमें एग्जैक्टली कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, जैसे हमने पेलेग्रा में किया या हमने मेजेंटा टाइप, बिल्कुल स्पेसिफिक है ना, ऐसा लगता है जैसे कि तो हजार चीजों में ये चीजें हो सकती है। अच्छा हाँ, इसी वजह से बायोटिन की डेफिशिएंसी का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, जिस तरह पेलेग्रा तो एक गिनी चुनी सिम्टम्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो हमने पेलेग्रा कह दिया, बायोटिन में कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं होता, ठीक है, ये छोटे छोटे से नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि अब ये पूरा रेपिडाइट नोजिया वॉमिटिंग, ये तो लिटरली किसी भी चीज में हो सकता है ना, ठीक है, एनीमिया। अच्छा अब ये देखो बच्चों के दिस इज द पॉइंट, अगर आपने बायोटिन में से कोई दो चीजें आप नहीं होना, बायोटिन में से बेसिकली दो या तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, उसकी आरडीएफ पता होनी चाहिए, एक ये पता होना चाहिए कि इट इज इन्वॉल्व्ड इन द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और थर्ड बात ये पता होनी चाहिए जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ, वो ये है बच्चों कि रॉ एग बाइट्स जो होते हैं, कच्चे अंडे जो अभी पके नहीं होते, इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं एविडिन, ठीक है। अब एविडिन क्या करती है कि जो लोग अगर कुछ लोग कच्चे अंडे खाते हो बहुत ज्यादा अमाउंट्स में, तो जो एग वाइट के अंदर एविडिन है, इट विल बाइंड टू बायोटिन,
और वो उसको उसी तरह से एक्सक्रीट करा देती है, ठीक है. सो इट विल कॉज बायोटिन डेफिशिएंसी. अब आप कुछ गैस कर सकते हो कि रॉयल वाइट कौन खाता होगा. अब ये देखो ज्यादा अमाउंट्स में अगर खाएंगे ना, जैसे 20 एग पर डे, तो फिर इसकी डेफिशिएंसी होने का चांस है. अब आप कोई बता सकते हो कि इतने इतने ज्यादा अंडे कौन खाता होगा, बॉडी बिल्डर. शाबाश, ठीक है. तो बॉडी बिल्डर्स होते हैं अभी भी ऐसे ही आजकल. वैसे प्रोटीन सप्लीमेंट का दौर है, लेकिन खास तौर पे जो पुराने जमाने में आप लोगों ने वो मूवी देखी हो ना रॉकी, उसमें क्या होता है वो सुबह सुबह उठ के एक ही ग्लास के अंदर इतने सारे अंडे तोड़ता है कच्चे, और ऐसे उनको ना पी जाता जाता है, ठीक है. सो ये तभी सिंड्रोम, ये तभी प्रॉब्लम चलना शुरू हुई जब इस तरह से कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा डेली अमाउंट, डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा रॉ एग्स कंज्यूम किए, ठीक है. सो रॉ एग्स में एक प्रोटीन होती है, जैसे ये एविडिन, ठीक है. इट विल बाइंड टू द बायोटिन. जैसे देखो एक एविडिन ने चार बायोटिन को बाइंड कर लिया और इसको एक्सक्रीट करा देती है, ठीक है. सो लेकिन एविडिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब अपना इफेक्ट करते हैं अगर वो रॉ एग्स हो, ठीक है. जब आप एग्स को हीट करते हैं, कुक कर लेते हैं, तो वो एविडिन डीनेचर हो जाती है, फिर वो बायोटिन को एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम करती है, ठीक है. सिर्फ रॉ एग्स प्रॉब्लम आता है. उसके बाद किसी ने पूछा है दिस एक्सेस इन लाइफ कॉजिंग कॉज ऑटोइम्यून, इसका कंफर्म नहीं है कि एक्सेस अंडे खाने से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की भी कोई इडियोलॉजी पता नहीं होती है किस वजह से हो जाता है, ठीक है. बायोटिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट फ्रॉम स्टरलाइजेशन ऑफ द इंटेस्टाइन बाय एंटीबायोटिक्स. अब ये कॉमन सेंस है, जो भी चीज अगर आपको पता चले, अगर आप किसी भी विटामिन के बारे में ना कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइजेस दिस विटामिन, तो एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे बच्चों. एंटीबायोटिक्स जब आप एंटीबायोटिक पेशेंट को देते हो उसके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी मरते हैं, ठीक है. जब इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया मरते हैं दे कैन नॉट सिंथेसाइज द विटामिन, सो क्या होता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है. अभी ये विटामिन तो मेजॉरिटी जो है वो हम डाइट से लेते हैं ना, लेकिन एंड पे आप पढ़ोगे विटामिन के. सो विटामिन के सारा का सारा तकरीबन हमारी इंटेस्टाइन में बन. सो अगर आप पेशेंट को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एंटीबायोटिक्स डाल देते हो, ठीक है, तो पेशेंट को विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है बिकॉज द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइजिंग दैट विटामिन वो मरना शुरू हो जाते हैं इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ठीक है, किल हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट क्या है, वो विटामिन ही सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, सो देयर इज विटामिन डेफिशिएंसी, ठीक है. अब मैंने आपको दोबारा बताती हूँ कि बायोटिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी. जो सबसे तीन ही बायोटिन में ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें, एक बात आरडीए, ओके, मैंने आपको कितनी बताई है 0.1 to 0.3 मिलीग्राम पर डे, ठीक है. दूसरी बात काम की जो रिसोर्सेज, तो अगर आपको आते होंगे उसका आपको ये पता होना चाहिए बायोटिन में कि इसके कौन से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. चलो बताओ कौन से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में उसमें आप कुछ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, कार्बन फिक्सिंग भी, ठीक है, उसमें आप कुछ के नाम लिख सकते हो, जिस तरह पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है, प्रोपियोनोल कोए कार्बोक्सिलेज है, ठीक है. अब ये देखो कि ये आपको पता होना चाहिए, और तीसरी बात आपको एविडेंस वाली पता होनी चाहिए कि रॉ एग वाइट्स को लार्ज अमाउंट्स में कंज्यूम करने से एज इन 20 एग्स पर डे के हिसाब से क्या होगा, एविडेंट डेफिशिएंसी हो जाएगी, सॉरी बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. इसकी वजह है कि जो रॉ एग वाइट्स के अंदर प्रोटीन एविडेंट होती है दैट बाइंड्स टू द बायोटिन और उसको वो एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है. लेकिन अगर आप उन एग्स को कर लेंगे, पका लेंगे, तो एविडिन जो है डीनेचर हो जाएगी, वो फिर वो नहीं डेफिशिएंसी कॉज करेगी, ठीक है. अच्छा, नायसिन तो हो गया था, बायोटिन हो गया, ठीक है. ये बायोटिन छोटा सा था इसलिए मैंने शायद पहले किया हुआ था, ठीक है बच्चों. यहाँ से किसी को कोई क्वेश्चन है नायसिन से रिलेटेड, बायोटिन से रिलेटेड? आगे चलते हैं, विटामिन बी सिक्स, ठीक है. बी फाइव अभी फिर पीछे रह गया, चलो बी सिक्स पहले कर लेते हैं. बी सी आर डी ए लिख लो,
बायोटिन एंड एंटीबायोटिक्स वाली बात रिपीट करते हैं, एक मिनट में दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो ये सिर्फ बायोटिन के लिए नहीं है, हर जो विटामिन आओगे जिसमें लिखा हो ना अगर कि कुछ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी सिंथेसाइज करते हैं, जिस तरह हमने राइबोफ्लेविन के बारे में भी पढ़ा था कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है कुछ थोड़ी स्मॉल अमाउंट में राइबोफ्लेविन सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि आप देखो, अच्छा मैं आपको इसमें आपके काम की बात क्या है बच्चों, कि कभी भी जिंदगी में किसी को जब अगर आप एंटीबायोटिक दो ना, एक दो दिन के लिए, 3 4 3 to 5 to 7 days एंटीबायोटिक देना कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक देते हो, जिस तरह से उसमें टाइफाइड के अंदर 14 days का कोर्स होता है या 10 days का कोर्स होता है, या कुछ और डिजीजेज में इससे भी लंबे एंटीबायोटिक्स देते हैं, इनमें बच्चों हमेशा आपको साथ पेशेंट को विटामिन का सप्लीमेंट देना चाहिए। अच्छे डॉक्टर्स जो है ना वो ये करते हैं। इसकी वजह क्या है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं दे आर किलिंग द बैक्टीरिया, ठीक है, और द बॉडी में बैक्टीरिया को मार रहे हैं, सो इंटेस्टाइन में भी ऑफ कोर्स मार रहे हैं। तो इंटेस्टाइन में जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो भी मरते हैं, तो क्या होता है कि जो वो यूजफुल विटामिन सिंथेसाइज करते थे वो विटामिन नहीं सिंथेसाइज होते, ठीक है। जब वो विटामिन्स नहीं सिंथेसाइज होते सो देयर कैन बी अ डेफिशिएंसी। ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ वो विटामिन्स हैं जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं, तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट में विटामिन के आता है, और इसके अलावा ये छोटे छोटे भी आ जाते हैं, जिस तरह बायोटिन है, कुछ थोड़ा सा राइबोफ्लेविन भी, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा चलो बाकी लिखो बच्चों, B6 की RDA कितनी, 0.6 to 0.7 mg per day, ठीक है, ये भी मिलीग्राम्स में मिल रहा है। अच्छा जी, अभी इसके नाम देखो, बायोटिन नाम क्या क्या है, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सल, पायरोडॉक्सामीन। अच्छा आपने ना, ये नाम इसका पायरोडॉक्सिन ही होता है, ये इसकी बाकी फिर फॉर्म्स होती है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सो विटामिन B6 को आप कहोगे पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। आगे चलो, सो इसकी सोर्सेस क्या है, वो सारी पोटैटोज आ गए, लेग्यूम्स आ गए, लेग्यूम्स दालों को कहते हैं, नॉन फूड्स हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स आ गए, लिवर आ गया, सोया प्रोडक्ट्स आ गए, मीट आ गया, फिश आ गई, पोल्ट्री आ गई, ठीक है, सारा कुछ वो जो अक्सर चीजें वो कॉमन जो सारी सारों में चल रही हैं। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पोर्टेंट, वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये होता है कहाँ गया पायरोडॉक्सिन, ये ठीक है, ये होता है B6 पायरोडॉक्सिन, ठीक है। अब ये पायरोडॉक्सिन है, अगर इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो NH2 है यानी नाइट्रोजन है, तो उसको आप पायरोडॉक्सामीन कह दोगे, बात समझ आई, दिस इज अ कोएंजाइम पायरोडॉक्सामीन या पायरोडॉक्सीन, ये पायरोडॉक्सीन फॉस्फेट आ गया, दिस इज कोएंजाइम फॉर्म, पायरोडॉक्सामीन आ गया, अगर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है पायरोडॉक्सीन आ गया, अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो पायरोडॉक्सोल आ गया, ठीक है। ये इसकी मुख्तलिफ कोएंजाइम फॉर्म्स है, ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ज्यादातर जो हम इसकी कोएंजाइम फॉर्म पढ़ते हैं ना वो क्या है, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट या पायरोडॉक्सामीन फॉस्फेट, ठीक है। सो अमीन की इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर अमाइनो एसिड लगा हुआ तो दिस कॉल्ड एज पायरोडॉक्सामीन, और साथ फॉस्फेट लग जाएगा सो पायरोडॉक्सामीन फॉस्फेट, अगर OH लग गया तो पायरोडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है, दिस दीज आर द कोएंजाइम फॉर्म्स। अच्छा, चीफ फंक्शंस इन द बॉडी, बॉडी में क्या फंक्शंस हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम PLB, जिस तरह हमने कहा ना थायमिन पायरोफॉस्फेट को हमने TPP लिखा हुआ था, इसकी कोएंजाइम फॉर्म होती है पायरोडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है। पायरोडॉक्सल जो AL है वो एल्डिहाइड फॉर्म है, अगर OL होगा तो दैट इज अल्कोहल फॉर्म, सो पायरोडॉक्सल फॉस्फेट है या पायरोडॉक्सामीन फॉस्फेट है, ठीक है, ये अमीन का मतलब चल गया ना, NH आगे लगा हुआ है, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट, पायरोडॉक्सामीन फॉस्फेट, ये यूज होते हैं। और दूसरी चीज है, अच्छा बाकी इसके रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस मैं आपको वन वन बताती हूँ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज इट्स कोएंजाइम फॉर्म कौन सी, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट और पायरोडॉक्सामीन फॉस्फेट, ठीक है। आगे अब क्या है, रिएक्शंस कौन कौन से हैं, बेसिकली बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स के अंदर एनर्जी निकालने में यूज होता है, जिसमें सारे यूज हो रहे हैं, जिस तरह आपने FAD में भी पढ़ा था, NAD में भी यही पढ़ा था कि बेसिकली दीज आर
used for extracting the energy from carbohydrates, proteins and fats. इसकी ना बच्चों एक बहुत ही अच्छी सी एक ही उसमें लिपिनकॉट में ना एक ही वो लिखी हुई है इस तरह से करके जिसमें सारे रिएक्शन लिखे हैं, ठीक है। ये लिपिनकॉट वाली शायद पिक्चर नहीं है, लेकिन लिपिनकॉट में भी ना इसी तरह से एक पिक्चर बनी है जिसमें इसके सारे रिएक्शन दिए हुए हैं। वो भी कर लोगे तो वो ठीक होगा, ठीक है। सो मैं आपको इसी में से बता देती हूँ। सबसे पहले देखो कि इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसमिनेशन रिएक्शन, शायद ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसमिनेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें अमाइनो ग्रुप जो है ना वो एक अमाइनो एसिड से निकलता है और किसी और चीज में चला जाता है, ठीक है। सो क्या है कि ट्रांसमिनेशन रिएक्शन में पाइरोडॉक्सल फॉस्फेट इज यूज्ड एज अ कोफैक्टर। यहाँ पे ट्रांसमिनेसेस होंगी उस जिस तरह ए एल टी ए एस टी है ना, दीज आर बोथ ट्रांसमिनेसेस, ठीक है। मैंने एंजाइम्स पढ़ लिए हैं, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी भी पढ़ ली हुई है, आपने ए एल टी ए एस टी पढ़े थे। बोथ ऑफ दीज आर ट्रांसमिनेसेस, या इसको अमाइनो ट्रांसफरेसेस भी बोलते हैं। सो दे रिक्वायर पाइरोडॉक्सल फॉस्फेट एज अ कोएंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो डीएमाइनेशन, नाम से पता चल रहा है ट्रांसमिनेशन में क्या होता है कि कीटो एसिड से दूसरे में चला गया था ना, डीएमाइनेशन में क्या है पूरा मॉलिक्यूल में से अमाइनो ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। सो जिस तरह ये सीरीन में से अमाइनो ग्रुप को निकाल दोगे क्या बच जाएगी पाइरुवेट, एंड ये अमाइनो ग्रुप जो निकला था वो है, ठीक है। सो ट्रांसमिनेशन रिएक्शन हो गए, डीएमाइनेशन रिएक्शन हो गए, डीकार्बोक्सिलेशन। अब बच्चों नहीं करना, जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने वाले उनमें बायोडीन यूज हो रहा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने वाले रिएक्शंस हैं डीकार्बोक्सिलेशन उन अंदर पाइरोडॉक्सिन यूज हो रहा है। सो डीकार्बोक्सिलेशन हिस्टिडीन क्या चीज है जो हाँ जी हिस्टिडीन क्या चीज है अमाइनो एसिड, शाबाश, ठीक है। सो हिस्टिडीन जो है शाबाश बेसिक अमाइनो एसिड, हिस्टिडीन के अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे तो क्या बन जाता है बच्चों हिस्टामीन। अब हिस्टामीन का नाम सुना क्या होता है, किसी बच्चे ने हिस्टामीन का नाम सुना, शाबाश एलर्जी कॉजिंग। आपको पता है कि जो हाँ जो एलर्जी कॉज करता है, आप जब एंटी एलर्जी ड्रग्स लेते हो तो दे आर एक्चुअली एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, ठीक है, वो हिस्टामिन को रोकती हैं। सो हिस्टामिन बॉडी में कैसे बन रही होती है, हिस्टिडीन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलोगे हिस्टामिन बन जाएगी। सो इस रिएक्शन के अंदर भी बच्चों क्या यूज हो रहा है पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन कहाँ पे पहले सुना होगा, कौन बताएगा। ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड, क्या कहां पे सुनाई ये रिएक्शन, शाबाश हीम सिंथेसिस, पहला स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप हीम सिंथेसिस। सो ये तो आपके लिए याद करना बहुत आसान है। इसके अंदर भी जो पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट जो है इट इज यूज्ड एज 11B6 इज यूज्ड एज अ कोएंजाइम या कोफैक्टर, ठीक है। ये रिएक्शंस आ गए। अब वन बाय वन थोड़ा सा मैं इनकी पिक्चर्स के साथ आपको दिखाती हूं। देखो दिस इज ट्रांसमिनेशन, ठीक है। ट्रांसमिनेशन में क्या होता है बच्चों, एक आपने लिया कि एक होता है ये फिगर ना मुझे बहुत ही बुरी लगती है जिसके अंदर ये एरोज होते हैं ना, लेटर को समझ नहीं आ रहा होता कहाँ से क्या हो रहा है कहाँ से क्या हो रहा है। एक अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, उसका जो अमाइनो ग्रुप है ना वो दूसरे कीटो एसिड के अंदर चला जाता है। सो रिजल्ट क्या होता है कि जो ओरिजिनल अमाइनो एसिड वो कीटो एसिड बन जाता है और जो कीटो एसिड था वो अमाइनो एसिड बन जाता है। बात समझ आई, यहाँ पे देखो ये ऑक्सैलोएसिड जो है ना दिस इज अ कीटो एसिड, ठीक है, और साथ ग्लूटामेट इज एन अमाइनो एसिड। क्या होता है कि ग्लूटामेट का जो अमाइनो ग्रुप है ना वो ऑक्सैलोएसिटेट में चला गया, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑक्सैलोएसिटेट क्या बन गया, एस्पार्टेट, ठीक है, ठीक है। So oxaloacetate has become the amino acid aspartate. और जब glutamate में amino group निकल गया तो glutamate has become alpha ketoglutarate. इसको कहते हैं transamination reaction, meaning कि amino group जो है वो एक molecule से निकला और दूसरे में चला गया। So जो originally amino acid था वो अब amino acid नहीं रहा,
जो दूसरा मॉलिक्यूल था दैट हैज बिकम एन अमाइनो एसिड, इसको बोलते हैं ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ट्रांसएमाइनेज एंजाइम होते हैं, जिस तरह ALT और AST आ गए, और साथ आपके पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट आ गया। अगर किसी बच्चे को ALT AST का रिएक्शन पता है वो यहाँ पे उसको भी लिख सकता है। ठीक है, बस आपने पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट ऊपर लिखा और ALT AST लिखा, उसको भी आप इसकी एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बच्चों डीऑक्सीलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जब आप किसी चीज में से निकाल दोगे, जिस तरह मैंने आप यहाँ एग्जांपल दी थी, हिस्टिडीन में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे हिस्टामिन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीन और एग्जांपल्स दी हैं। ट्रिप्टोफैन 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन बन जाएगा, व्हिच इज आल्सो नोन एज सेरोटोनिन। ग्लूटामिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे तो गवा बन जाएगा। गवा का नाम आप लोगों ने आई थिंक सो सुना होगा फिजियो में, खासतौर पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, सो कैसे बनता है ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट जो अमाइनो एसिड है, ग्लूटामेट उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हो गामा बन जाता है। ठीक है, इसी तरह सिस्टीन में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हो टोलुइन बन जाता है। ठीक है, ये आप ये एग्जांपल्स भी यूज कर सकते हो, ये वाली भी यूज कर सकते हो, हिस्टिडीन में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो हिस्टामिन बन गया। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है, इन अपने एंजाइम्स के नाम और पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट जरूर लिखना। हाँ, एक एक कर लो, मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ये अगर इसमें से आपको सारे आते हैं ना तो ठीक है, इसमें ये कर लो तो काफी है। ठीक है, आगे ये जो हीम सिंथेसिस का पहला स्टेप लाइसिन सक्सिनाइल को आपस में रिएक्ट करेंगे, डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड बनेगा, सिंथेस और B6 है, ये तो आपको आना चाहिए ना, ये तो आपको आता है, सो ये जरूर लिख देना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ द हीम सिंथेसिस। ठीक, ये बच्चों जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज रिएक्शन है ना, ये लिस्ट में नहीं दिया हुआ था, इस लिस्ट में दिया हुआ था, लेकिन आई रिकमेंड कि ये आप जरूर करो। ठीक है, सो आप पता है कि ग्लाइकोजन क्या होती है, ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन के अंदर से जब आपने ग्लूकोज निकालनी होती है फॉर योर एनर्जी, तो जो एंजाइम यूज होता है दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है दिस ऑल्सो रिक्वायर्स पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट। अब आपने इस मुसीबत में नहीं पढ़ना, आपने क्या करना है, ग्लाइकोजन लिखना है, एरो लगाना है और आगे लिख देना है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, और लिखना है आपने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और पाइरोडॉक्सिल PLPT। इस तरह से ये रिएक्शन लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना, ये ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म के पाथवे में भी यूज होता है, ये ना भी करो तो कोई बात नहीं, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म के पाथवे में भी यूज होता है विटामिन B6। ठीक है, अच्छा, होमोसिस्टीन कर भी लो तो ना भी करो कोई बात नहीं, ये रिएक्शन भी अगर लेना है तो कर ले। विटामिन B6 इन होमोसिस्टीन, ये लिपिन कोट में है, होमोसिस्टीन से जो है ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, विटामिन B6 इज वर्ड नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। अच्छा, डिमाइनेशन वाला बता दें, एक बच्चे ने कहा कि डिमाइनेशन बता दें, यहाँ से बताती हूँ, ये ट्रांसएमाइनेशन थी ना, डीएमाइनेशन, जिस तरह ये सीरीन से अमाइनो ग्रुप निकाल दोगे पाइरूवेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ना डीएमाइनेज लिख दो, ठीक है, यहाँ पे एंजाइम लिख दो डीएमाइनेज तो कोई ठीक हो जाएगा, क्योंकि डीएमाइनेज पे फर्क फर्क किस्म की होती है, आप बेसिकली लिख दो ना कि कौन सी एंजाइम है, तो ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा लास्ट स्लाइड रिपीट कर दें, कौन सी स्लाइड रिपीट करनी थी, फिगर से ट्रांसएमाइनेशन समझा दे, मैं समझा देती हूँ, वैसे यहाँ पे आपको इतना समझने की जरूरत है लेकिन मैं समझा देती हूँ। एक बच्चे ने कहा लास्ट स्लाइड रिपीट कर दे, लास्ट कौन सी थी बेटा, इससे पहले वाली, ये वाली जरूरत नहीं है, ये ना बस आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में भी होता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में काइन्यूरिनेज एंजाइम होती है। ठीक है, तो वहां पे भी होता है, मैं इसलिए नहीं बता रही कि ये थोड़ा सा अनफेमिलियर सा है ना, इसलिए बस काफी है अगर आप ये लिख दो कि ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में भी है मोर देन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक बच्चे ने कहा डीएमाइनेशन बता दें और ट्रांसएमाइनेशन बता दें, मैं एक दफा दोबारा से बता देती हूँ, डीएमाइनेशन ट्रांसएमाइनेशन और एंजाइम्स भी रिपीट कर देती हूँ। ठीक है बेटा, ये ट्रांसएमाइनेशन है, इसके एंजाइम आप लिख दो ट्रांसएमाइनेजेस, डीएमाइनेशन में लिख दो डीएमाइनेज। ठीक है, अगर यही रिएक्शन आपने एग्जैक्टली लिखना है ना तो इसकी रिएक्शन AST है। ठीक है, इस रिएक्शन, इस एंजाइम की रिएक्शन है AST। ठीक है,
डीकार्बोक्सिलेशन में आप लिख दोगे डीकार्बोक्सिलेज, कंडेंसेशन में लिख दोगे, यहाँ पे तो जो ये रिएक्शन ग्लाइसिन प्लस ऑक्सीनेट को इसका इसके अंदर आपको पता है एलासिनथेज है ना। अब जिस बच्चे ने पूछा के डीएमाइनेशन का आंसर, मैंने बता दिया ना, बस अब डीएमाइनेशन तो इट्स इनफ। अच्छा ट्रांसमाइनेशन बेटा मैं इससे समझाती हूँ, ये देखो एक अमाइनो एसिड आपने लिया ठीक है, और क्या होता है कि अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इससे देख लेते हैं एसिड रिएक्शन देख लेते, लेट्स सपोज यहाँ पे अमाइनो एसिड है ऑक्सैलो एसिड ठीक है, सॉरी अल्फा कीटो एसिड है ऑक्सैलो एसिड ठीक है, और अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट ठीक है, ग्लूटामेट इज एन अमाइनो एसिड, अल्फा ऑक्सैलो एसिड इज एसिड। अब क्या होगा ट्रांसमाइनेशन का बेसिकली प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पे एक अमाइनो जुड़ा हुआ है उसने इसमें से निकल के इसमें चले जाना ठीक है, जब वो इसमें से निकल जाएगा तो आप कॉमन सेंस बताओ जब इसमें से अमाइनो एक ग्रुप भी निकल गया ये क्या बच गया कीटो, कीटो एसिड बन गया, और इस वाले के अंदर जब अमाइनो ग्रुप एंटर हो गया क्या बन गया अमाइनो एसिड ठीक है। सो बेसिकली अगर आप बात समझो तो अमाइनो ग्रुप एक मॉलिक्यूल में से निकल के दूसरे में चला जाता है ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ट्रांस अमाइनेशन, बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है। सो ट्रांसफर होने से नतीजा क्या निकला, जिसमें से निकल गया वो ग्लू एसिड बन गया, जिसके अंदर एंटर हो गया वो अमाइनो एसिड बन गया ठीक है। इसकी में से देखो अगर आपने लिया ग्लूटामेट और ग्लूटामेट में से ग्रुप निकाल दोगे वो क्या बन जाए क्या बाकी रह जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटामेट, और अगर ऑक्सैलो एसिटेट के अंदर वो अमाइनो ग्रुप ऐड हुआ ऑक्सैलो एसिटेट में एक अमाइनो ग्रुप ऐड करते हुए बन जाता है एस्पार्टेट ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है उसके अंदर एंजाइम यूज होती है दैट इज एएसटी ठीक है। सही ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड ईयर में आप पढ़ोगे मेटाबॉलिज्म में, यहाँ पे जस्ट मैंने टच किया ठीक है। तो बच्चे ने क्या पूछा डीएमाइनेशन में यूरियाज एंजाइम कन्वर्ट्स यूरिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, बेटा उसमें आप एमाइनेशन नहीं लिखोगे, इसकी वजह ये है कि वो कोई एक स्टेप नहीं है ठीक है। अच्छा यूरियाज कन्वर्ट्स यूरिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, हाँ लिख तो सकते हैं लेकिन बेटा मुझे नॉट श्योर कि यूरियाज रिएक्शन में पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट यूज होते हैं, आप कंफर्म कर लो अगर यूरियाज रिएक्शन में पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट यूज होता है तो वेल एंड गुड, अगर यूज नहीं होता फिर तो मकसद ही नहीं है ना उसको वाइटामिन देने का, समझ आई। अच्छा ठीक है समझ आई मेरी बात की, यहाँ पे रिएक्शंस लिखना मकसद नहीं है, यहाँ पे वो रिएक्शंस लिखना मकसद है जिनके अंदर B6 यूज हो रहा हो एज अ फैक्टर ठीक है। सो आप कंफर्म कर लो अगर यूरियाज रिएक्शन में B6 हो रहा है यूज एज अ फैक्टर तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर मत लिख ठीक है। अच्छा अब जो ये रिएक्शंस हो गए ठीक है, अब आगे देखो कि हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, ये हार्पर में दिया हुआ है ठीक है, और कई दफा ये पूछा जाता है और कहीं पे भी नहीं आई थिंक चैप्टर जी में भी नहीं है ये कि जो पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट है ये डीएनए में से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को रिमूव करता है एज द रिजल्ट टर्मिनेटिंग एक्शन ऑफ हार्मोन्स ठीक है। आपको नहीं समझ आई होगी मैं दोबारा समझाती हूँ, आपको पता ना कि कुछ जो जब आपने सिग्नल ट्रांसडक्शन पढ़ी थी तो आपने कुछ हार्मोन ऐसे भी पढ़े थे जो डायरेक्टली डीएनए के ऊपर एक्ट करें, उसकी कोई एग्जाम्पल याद है किसी को कौन से हार्मोन है जो डायरेक्टली डीएनए पे आके बाइंड कर रहे हैं। इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बाइंड करता, रेड डायरेक्ट करता स्टीरॉयड शाबाश स्टीरॉयड ठीक है, जिसमें भी आ जाते हैं रेटिनॉइड्स आ जाते हैं थायरॉइड्स आ जाते हैं सबके सब जो डायरेक्टली डीएनए पे जाके बाइंड करते हैं शाबाश। अब जो ऐसे जो हार्मोन होते हैं ना उनका ये देखो हम मिसाल देते हैं इसकी ठीक है, इस जो लिख को छोड़ दो, अच्छा ये सामने लिखा हुआ है स्टीरॉयड हार्मोन देखो लिखा भी हुआ, ये देखें कि ये डीएनए है और ये हार्मोन इसके ऊपर बाइंड किया हुआ ठीक है। सो पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट का रोल क्या है बच्चों कि इसको इसमें से अलहदा कर दो ठीक है, अगर ये अलहदा ना हो और ये इसके साथ ही बाइंड रहेगा तो इसका रिएक्टर जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहेगा ठीक है। सो यहाँ पैराडॉक्सिल फॉस्फेट इज इम्पोर्टेंट कि ये इसको इससे अलहदा कर देता है ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर वाइटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा कि बहुत देर तक इन चीजों का रिएक्शन इन चीजों का अफेक्ट रहेगा, ईस्ट्रोजन है एंड्रोजन कॉर्टिसोल है विटामिन डी है ऑल ऑफ दीज आर स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये जब जाके अपने डीएनए के ऊपर बाइंड करेंगे तो ये बाइंड ही रह जाएंगे और बहुत देर तक इनका अफेक्ट रहेगा ठीक।
इससे क्या होता है बच्चों, जब ईस्ट्रोजेंस का लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, देर इज चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर. अगर एंड्रोजन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, देर इज चांस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट जब पायरेटॉक्सिल फॉस्फेट जो है इसको अलग कर देता है, सो इन कैंसर्स के चांसेस भी कम करता है. समझ आए बात की? बात की समझ आई? अच्छा, अब बच्चों अगर मुझसे कोई बंदा पूछे ना कि विटामिन B6 में से सबसे इम्पोर्टेंट एक ही बात कौन सी है, तो वो ये है, ये वाली जो अब आ रही है, जो क्रॉप में भी आती है बहुत ज्यादा. अब ये यहाँ से मत देखो, मैं पहले आपको जवानी बता दूँ क्या है कि जो पेशेंट्स टीबी के होते हैं, ठीक है, आपको पता है टीबी कौन सा डिजीज है, लंग. एक्चुअली मजे की बात है कि टीबी कैसे डिजीज है. क्या क्वेश्चन है? इससे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कैसे होगी? किससे बेटा? ये जो मैंने आपको ये बताया, ये मैंने विटामिन, इससे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी नहीं होती. अगर किसी पेशेंट में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, होगी, तो ये रिसेप्ट, ये कॉम्प्लेक्स आराम से आपस में अलग नहीं होगा. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे ही चलता रहेगा, तो क्या होगा, इसके इफेक्ट्स भी चलते रहेंगे. ठीक है, जब लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स होंगे, जिस तरह लॉन्ग टर्म ईस्ट्रोजन इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म एंड्रोजन इफेक्ट है, तो क्या होगा कि उन सेल्स का कैंसर होने का चांस है जिनके ऊपर इन इन हार्मोन्स का इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, जिस तरह ईस्ट्रोजन का ज्यादा इफेक्ट जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर होता है या यूट्रस के ऊपर होता है, तो कैंसर होने का चांस है. या जो एंड्रोजन्स है उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो प्रोस्टेट के ऊपर होता है, तो प्रोस्टेट कैंसर होने का इफेक्ट है. मैंने नहीं बोला कि इनकी वजह से B6 की डिफिशियंसी होती है, मैंने ये बताया कि B6 डिफिशियंसी से इनका इफेक्ट बहुत लंबा प्रोलॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, आगे. अब जो ये बात हो रही थी कि टीबी जो होती है, टीबी एक ऐसा डिजीज है कि जो जो है ना, पूरी बॉडी में किसी चीज की भी टीबी हो सकती है. इंटेस्टाइन टीबी हो सकती है, लंग की टीबी हो सकती है, ब्रेन तक की टीबी हो सकती है, की भी टीबी हो सकती है. ठीक है, सो लेकिन ज्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें लंग की टीबी होती है. ठीक है, टीबी में एक ड्रग देते हैं आइसोनियाज़िड. मैं आगे इसके स्पेलिंग भी बताऊंगी. ये देखो, ISONIAZID. ये लिपिन कॉट में भी दिया हुआ है, आइसोनियाज़िड. चैटर्जी में भी होगा, ऑफ कोर्स होगा. आइसोनियाज़िड एक ड्रग है जो हम टीबी की ट्रीटमेंट में देते हैं. ठीक है, आइसोनियाज़िड क्या करती है कि बॉडी में जो पायरेडॉक्सल फॉस्फेट है या B6 है उसको बाइंड कर देती है और उसको रिमूव कर देती है, मतलब इनएक्टिवेट कर देती है. ठीक है, अब क्या है, अब टीबी का पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको आइसोनियाज़िड दे दिया, अब क्या होगा कि वो आइसोनियाज़िड उसके भी B6 को बाइंड करेगी और इनएक्टिव कर देगी. ठीक है, जब उसको इनएक्टिव कर देगी बच्चों, क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर उसने अफेक्ट करने थे वो नहीं होंगे. ठीक है, सो बेचारा पेन बजाय इसके कि वो ठीक हो, वो और ज्यादा विटामिन डेफिशिएंसी के अंदर चला जाता है. ठीक है, सो एक सबसे इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज जो इस विटामिन में है वो ये है कि आइसोनियाज़िड से क्या होता है, B6 डेफिशिएंसी हो जाती है. एज अ रिजल्ट आपने हमेशा हमेशा बी के पेशेंट्स में जब आइसोनियाज़िड का ट्रीटमेंट दोगे तो B6 का सप्लीमेंट देना मस्ट है. ठीक है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ जाता होता है. आइसोनियाज़िड के ट्रीटमेंट में जब आप टीबी के पेशेंट को आइसोनियाज़िड का ट्रीटमेंट दोगे तो B6 सप्लीमेंटेशन इज अ मस्ट, साथ B6 का सप्लीमेंट जरूर दोगे. ठीक है, ठीक है, आगे चलो. इसकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी, उसके बाद मैं सारे को रिपीट करती हूँ. अच्छा बच्चों, आगे देखें, B6 की डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी में भी सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन है, वॉमिटिंग है, स्किन डर्मेटाइटिस है, नर्व इरिटेशन है, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, एनीमिया. ठीक है, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं इसके नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स हैं. ठीक हो गया. अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि B6 डेफिशिएंसी में एनीमिया क्यों हो रहा है?
जिसने ने कहा रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी फॉर्मेशन, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने आपको पढ़ाया हो कि आरबीसी फॉर्मे आरबीसी मैच्योरेशन इनमें इन्वॉल्व होता है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इसी ने बोला कि हीम सिंथेसिस इज इम्पेयर्ड, हीम सिंथेसिस, नीड फॉर हीम सिंथेसिस, ये पढ़ाया मैंने आपको नीड फॉर हीम सिंथेसिस। कौन सा हीम सिंथेसिस कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है बच्चों हीम सिंथेसिस में? शाबाश, हाँ शाबाश, जो फर्स्ट रिएक्शन है हीम सिंथेसिस का, ठीक है। सो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ हीम सिंथेसिस जो एला सिंथेस है, ग्लाइसिन पेंटासिलेनाइल कोई वाला रिएक्शन, ठीक है, उसके अंदर होता है। शाबाश, याद आ गया। अभी देखो बेटा कि इसके सारे सिम्टम्स जो है ना, कहाँ पे लिखा है इट इज इन्वॉल्व इन एरिथ्रोमाइसिस, लिखा है कहीं पे? आपको मेरे से ज्यादा पता होगा क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेने में मसरूफ है ना। एक मिनट ठहर जाओ, मैं देखो मैंने कहाँ पे लिखा हुआ। हीम सिंथेसिस में लिखा हुआ है, एरिथ्रोमाइसिस तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। एरिथ्रोमाइसिस मैंने कहाँ लिखा है जरा ये बताओ ना, कहाँ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, खुद ही बनाई जा रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, हीम सिंथेसिस और एरिथ्रोमाइसिस में जमीन आसमान का फर्क है। एरिथ्रोमाइसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और हीम जो है वो एक खास चीज है जो रेड ब्लड सेल्स के भी अंदर जानी है, ठीक है। ये बेटा थोड़ी सी इस तरह की डिस्टिंक्शन पैदा करो। पहली बात है नहीं लिखा हुआ, अगर तो मैंने कोई गलत चीज लिखी हो तो आई वुड कंसीड, ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई। दूसरी बात यह है कि हीम सिंथेसिस इज नॉट द सेम एज एरिथ्रोमाइसिस, ठीक है। मेन फंक्शंस पे लिखा हुआ, एक मिनट कर दो। अच्छा ओहो ओहो, अच्छा 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 अच्छा, नहीं ये नहीं लिखना, रेड ब्लड सेल्स नहीं, बेसिकली हीम, इसको मैं ठीक कर दूंगी, ठीक है। हीम सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है आरबीसी की, ठीक है, इनडायरेक्टली मैंने इसको मानती है, रेड ब्लड सेल नहीं, आपने लिखना, आपने इसमें हीम सिंथेसिस में टू मेक हीम लिख दो, काफी है, ठीक है। अच्छा इसको मैं रिपीट ही करने लगी हूँ, हाँ मैं ये तो कह रही हूँ, मतलब ना आपने हीम सिंथेसिस लिखना है, एरिथ्रोपोइसिस नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो बच्चों टॉक्सिसिटी, ये टॉक्सिसिटी एक दफा देख ले, उसके बाद मैं सारे को रिपीट करती हूँ। अच्छा आपने कर लिया डेफिशिएंसी, ठीक है। टॉक्सिसिटी में क्या होता है, अगर 200 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा ले लोगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इतना कोई लेता नहीं है नॉर्मली, बिकॉज इसका नॉर्मल जो आरडी आपको लिखा था मैंने वो कितना था, 0.6 टू 1.7 मिलीग्राम पर डे, और अपर लेवल 100 एमजी पर डे तक है। अगर बहुत ज्यादा ले लोगे ये तो कोई बंदा गलती से ही ले सकता है, इतना ज्यादा ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डे। नर्व डैमेज हो जाएगा, डिफिकल्टी वॉकिंग हो जाएगी, नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट हो जाएगा। अभी जो इससे जो टॉक्सिसिटी है वो तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आती नहीं है, बिकॉज बहुत ही अनयूजुअल है। अब मैं इसको जरा रिपीट करती हूँ, एक मिनट जरा सारी हेडिंग्स निकाल लेते हैं जैसे हम नॉर्मली रिपीट करते हैं ये चीज। अच्छा देखो हम क्या रिपीट करने लगे हैं, पाइरोडॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स जो है उसका नाम होता है बच्चों पाइरोडॉक्सिन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि इसकी कोएंजाइम फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, पाइरोडॉक्सामीन फॉस्फेट या पाइरोडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है, ये इसकी कोएंजाइम फॉर्म्स होती हैं। इसके सोर्सेज में सारी के सारी सोर्सेज जो मर्जी लिख दो, लेग्यूम्स हो गए, बीन्स हो गए, फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए, और मीट हो गया, फिर हो गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद आज जो आरडीए, आरडीए कितनी बताई थी मैंने आपको, 0.6 टू 1.7 मिलीग्राम पर डे। Why is it necessary to remove B6 from the body in tea and then give supplements? क्या हो गया है? बहुत ज्यादा बेटा ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया, मैं अभी दोबारा रिपीट कर देती हूँ उस बात को। अभी मैं इस सारे को रिपीट करने के बाद ये आपकी को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ जाओ बच्चों, जो B6 का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें बहुत सारी रिएक्शन, जिसमें आपको मैंने एक ट्रांसमिनेशन बताया,
डीएमाइनेशन बताया, डीऑक्सीलेशन बताया, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज रिएक्शन बताया, कंडेंसेशन बताया. कंडेंसेशन वो वाला रिएक्शन है जो हीम सिंथेसिस का पहला स्टेप है. ठीक, ये सारे के सारे रिएक्शंस आ गए. इसकी जो डेफिशिएंसी होती है उसमें बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं और टॉक्सिसिटी जो है बहुत कॉमन नहीं होती. इस सारे में जो मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई थी वो आइसोनियाज़िड और टीबी से रिलेटेड थी, और मुझे लग रहा है कि वो बच्चों को क्लियर नहीं हुई. मैं इसको दोबारा क्लियर कर देती हूँ. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्या है. B6 को बॉडी में से हमने नहीं रिमूव करना होता. देखो मैं आपको बताती हूँ, जो आइसोनियाज़िड है वो हम देते हैं टीबी के ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, टीबी किसी को हो गई तो जो ड्रग्स उसको देंगे उनमें एक भी है आइसोनियाज़िड. अब आइसोनियाज़िड किसी भी बंदे को दोगे, किसी भी नॉर्मल इंसान को भी दोगे, तो उसमें वो थायरोडॉक्सिन है उसको इनएक्टिव करके निकाल देती है. हमने नहीं निकालना. ठीक है, इट के आइसोनियाज़िड जो है वो पाइरोडॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर देती है. ठीक है, सो उसको जब वो इसको इनएक्टिवेट कर देगी ना काम ही नहीं कर सकेगा, तो इतने सारे जो रिएक्शन है वो रुक जाएंगे. ठीक है, बंदे की जो बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होगा. उसका हल क्या है कि जब भी कभी आप किसी पेशेंट को आइसोनियाज़िड का ट्रीटमेंट देते हो तो आप सब हाई डोज ऑफ B6 देते हो सप्लीमेंट के तौर पर. बात समझ में आई? अच्छा जी, आगे आगे ल्यूथेनिक एसिड. पेंटोथेनिक एसिड B5 इंतहाई छोटा सा वर्टमान है. ठीक है, ये जो पेंटोथेनिक एसिड है ना B5, ये छोटू सा है इंतहाई, कोई खास मतलब इसमें बहुत ज्यादा की पॉइंट्स नहीं है. इसको कहते हैं उसके बाद जो है ना वो हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि उसके बाद दो ही विटामिन्स वाटर सॉल्युबल रह जाते हैं जो सबसे लंबे हैं. ठीक है, और जो इंटरकनेक्टेड हैं. सो मैं वो चाहती हूँ कि वो दोनों इकट्ठे एक ही सेशन में किए जाएं. तो ये करके हम एंड करते हैं इस सेशन को. सो बच्चों, जो B5 है इसकी RDA लिख लें 5-10 मिलीग्राम्स पर डे, 5-10 mg पर डे. ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड B5 का नाम है. नाम बच्चों सबके याद रखने हैं. शुरू से मैं एक दफा रिपीट कर दूं, विटामिन सी ascorbic एसिड कहते हैं, B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को रिबोफ्लाविन कहते हैं, B3 को नाइसिन कहते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, B6 को पाइरोडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटिन कहते हैं. ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने क्या पूछा, इवन इफ द पेशेंट डजंट हैव टीबी एंड आइसोनियाज़िड इज गिवन स्टिल इफेक्ट ऑफ डिक्रीज B6 विल बी देयर. जी बिल्कुल ऐसे है, नॉर्मल बंदे आइसोनियाज़िड दे दोगे यही होगा. तो बेचारे टीबी का पेशेंट तो वैसे इतने ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है और इतनी ज्यादा उसकी बॉडी में और किस्म की जो एनर्जी यूटिलाइजेशन हो रही है, तो वो तो और भी ज्यादा उस पर इफेक्ट आएगा ना. नॉर्मल बंदे पे भी को भी दोगे तो यही होगा. ठीक है, लेकिन नॉर्मल बंदे को हम देते नहीं है, हम ओनली जो टीबी के ट्रीटमेंट में देते हैं. ठीक है, अच्छा जी, सो पेंटोथेनिक एसिड इज B5, RDA की लिख लिया आपने 10 मिलीग्राम्स पर डे. चीफ फंक्शंस इन द बॉडी, इट इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए. जहां पे भी आपको बच्चों मिलेगा ना कोए, जिस तरह एसिटाइल कोए है, एलोनाइल कोए है, सक्सिनाइल कोए है, मिथाइल मेलोनाइल कोए है, प्रोपिनाइल कोए है, जो कोए का लफ्ज है ना इसके अंदर पेंटोथेनिक एसिड होता है ए के, विटामिन B5. ठीक है, It is used in energy metabolism, easily destroyed in processing. अच्छा, pentothenic. हर चीज का लफ्ज पे जाओ ना तो आपको आसानी हो जाएगी. Pento means pan. Actually, pen का मतलब होता है all. अगर आपने फिजियो में ब्लड पढ़ा हो तो वहां शायद आपने pancytopenia पढ़ा आप लोगों ने. Pancytopenia. So pancytopenia का मतलब होता है कि तमाम के तमाम जो ब्लड के सेल है वो कम. ठीक है, पैन का मतलब all of them. सो पेंटोथेनिक एसिड बेसिकली पेन का मतलब होता है ऑल. सो इसका मतलब है कि ये तकरीबन ना बहुत हर फूड सोर्स के अंदर ये पाया जाएगा. पेंटोथेनिक एसिड पेन का मतलब फ्रॉम एवरी साइड, हर तरह के फूड में ये होता है. मीट, मिल्क, मशरूम, लिवर, इंसेक्ट्स, इन्होंने कुछ ये लिख दिए. ठीक है, आगे चलो. जो इसका स्ट्रक्चर ये है जो कि आपने नहीं करना, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो पार्ट्स में होता है. एक पेंटोइक एसिड है और एक बीटा एलानिन है. ठीक है, बोथ ऑफ दीज थिंग्स, पेंटोइक एसिड बीटा एलानिन से मिलके बनता है पेंटोथेनिक एसिड. जस्ट नाम पता होना चाहिए. ठीक है,
अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या एक ही बात है, इट इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए. ये देख रहे हो इतना बड़ा सारा कोएंजाइम ए है, ठीक है. कोएंजाइम ए जो एसिटाइल कोए के साथ लगा होता है, अगर इसके साथ ये देखो एसिटाइल लगा हुआ है तो दिस इज एसिटाइल कोए. अब पूरे कोएंजाइम ए का ये एक पार्ट होता है पेंटोथेनिक एसिड. जिस चीज में भी कोए लगा हुआ है ना बच्चों, उसको आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो इस के लिए, ठीक है. सो आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम ए, सारे एग्जाम्पल्स देखे, देखो कि इसमें ना टू कार्बन भी कैरी कर सकता है, थ्री फोर जितने भी. अगर एसिटाइल को है तो इट इज कैरिंग टू कार्बन, आपको पता है ना एसिटाइल ग्रुप के कार्बन होते हैं. मेलोनाइल को है थ्री कार्बन कैरियर, प्रोपेनाइल को है थ्री कार्बन, मेलोनाइल फोर कार्बन, सक्सेनाइल को है फोर कार्बन. ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कार्बन ये तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि कोएंजाइम ए के साथ अगर दो दो कार्बन का यूनिट लगा हुआ है तो दिस इज एसिटाइल को है, ठीक है. तीन कार्बन का है तो मेलोनाइल को है, डिपेंडिंग कि बेसिकली अ कार्बन कैरियर कार्बन ट्रांसफर करता है ये ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक हो गया. रिएक्शंस देख मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले देखो एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन, आपको एसिटाइल कोए इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. तो एसिटाइल कोए और कोलीन एसिटाइल कोलीन फॉर्मेशन. सो एसिटाइल कोए कोलीन आपस में मिलेगा, ठीक है. तो ये क्या बना देंगे, एसिटाइल कोलीन. बच्चों इसकी इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है रिएक्शन एंजाइम की. क्यों नहीं जरूरत, कि ये कोएंजाइम के फॉर्म में नहीं यहाँ पे एक्ट कर रही, इसके पड़ा हुआ पेंटोथेनिक एसिड. जो पेंटोथेनिक एसिड है वो यहाँ, मेरा मतलब है आपको यहाँ पे पेंटोथेनिक एसिड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसको ये अंदर ही पेंटोथेनिक एसिड है, ठीक हो गया. सो एसिटाइल कोए प्लस कोलीन एसिटाइल कोलीन. अब यहाँ पे बच्चों आप वो रिएक्शन लिख सकते हो जो आपको आता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का, जहाँ एचएमजी कोए बेस वाला रिएक्शन है ना, जो एसिडाइल कोए कंबाइन होते हैं और एचएमजी कोए बनाते हैं, वो भी लिख सकते हैं बिकॉज कोए तो उसमें आ रहा है ना. इसी तरह सिट्रिक एसिड साइकिल का रिएक्शन देखो, यहाँ एसिडाइल कोए है, ठीक है. एसिडाइल कोए से जो सिट्रिक एसिड बन रहा है, तो दिस कोए कंटेन्स पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है. सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल में आ गया, सिंथेसिस ऑफ कीटोन कीटोन बॉडीज में आ गया. ये देखो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में दो एसिटाइल कोए कंबाइन किए थे, ठीक है. तो एसिटो एसिटाइल कोए बना था ये, इसमें सारे में कोए कोए आ रहे हैं, कोई एक जो आपको आसान लगता है वो लिख दो, ठीक है. ये वाला लिख दो, सबसे अच्छी बात है. एएमजी कोए था, ठीक है. सो एचएमजी कोए रिडक्टेज एंजाइम, आप वैसे भी इससे फेमिलियर हो. अच्छा उसके बाद आ जाओ सक्सेनाइल कोए. अब सक्सेनाइल कोए की फॉर्मेशन में, सो सक्सेनाइल कोए की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. अगर सक्सेनाइल कोए नहीं होगा तो हीम सिंथेसिस का जो पहला स्टेप है ग्लाइसिन प्लस सक्सेनाइल कोए वाला, वो भी ठीक से नहीं चलेगा, तो एनीमिया हो सकता है. समझ आ गई. आगे अच्छा बाकी ये एग्जाम्पल से मैं आपको फिगर से दिखाती हूँ. फैटी एसिड ब्रेकडाउन के अंदर, जो फैटी एसिड ब्रेकडाउन में हर जगह पे कोए 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 लगा होता है, ठीक है. सो आपने जस्ट लिखोगे ना फैटी एसिड डाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, वो भी काफी है. ये इस तरह की कोई चीज बनाने की जरूरत है जिस आपको मैंने बताने के लिए किया हो ये भी. अच्छा उसके बाद आ जाओ. सो ये देखो बच्चों फैटी एसिड्स कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स अमाइनो एसिड सब के सब जब ब्रेक डाउन होते हैं ना, सबसे पहले एसिटाइल कोए बनता है. सबसे पहले तो नहीं, आई मीन टू से कि तब के अंदर कॉमन जो एक इंटरमीडिएट है दैट इज एसिटाइल कोए. तो अगर कोएंजाइम नहीं होगी और एसिटाइल कोए ठीक से नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम होगी. लेकिन ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पेंटोथेनिक एसिड इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल फूड्स, तो कोए की नॉर्मली डेफिशिएंसी होती नहीं, ठीक है. आगे देखो डेफिशिएंसी बहुत नॉन स्पेसिफिक, वॉमिटिंग, नौजिया, स्टमक क्रैम्स, इंसोम्निया, फटीग, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, एपथी, एनीमिया. एनीमिया की वजह समझ नहीं ना, बिकॉज जो है सक्सेनाइल कोए प्लस ग्लाइसिन जो है दो दो चीजें थी हीम बनाने के लिए. जब सक्सेनाइल कोए ठीक से नहीं बन रहा बिकॉज देर इज नो कोए, तो क्या होगा, एनीमिया हो सकता है. अच्छा ये जो चीज है बर्निंग फूड सिंड्रोम या मेलाल्जिया, आपको शायद घर में भी कोई बड़ी आपके एल्डरली लेडीज होती हैं घर में, वो कभी कंप्लेन करती हैं कि पाँव में जो है ना वो बहुत जलन है, जिस तरह पाँव जलते बहुत है खासतौर पर गर्मियों में, ठीक है. उसको बोलते हैं बर्निंग फूड सिंड्रोम. मेलाल्जिया भी बोलते हैं, पुरानी टर्म है,
स्पोर्ट्स सिंड्रोम. सो उसकी एक वजह पेंटोथेनिक एसिड हो सकती है. इसकी बहुत सारी वजह होती है, हाइपरटेंशन से भी हो जाता है और चीजों से भी हो जाता है. एक एक जो कोलाइटिस डेफिशिएंसी ऑफ पेंटोथेनिक एसिड. ठीक है, ये भी हॉस्पिटल पॉइंट था, अदरवाइज वैसे मैंने नहीं कहीं पे देखा. डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है बिकॉज ये मेजोरिटी ऑफ फूड में होता है, टॉक्सिसिटीज की होती कोई नहीं. बात समझ में आ गई. ये छोटा सा विटामिन था और इसमें अगर मैं इसको देखू ना तो इसमें बहुत ज्यादा कार्ब आते हैं ही नहीं इस के के दिस इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए. ठीक है, सो जिस भी रिएक्शन में कोई ना आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसकी एग्जांपल्स में आप पीडी कॉम्प्लेक्स को भी यूज कर सकते हो. मैं आपको पीछे जाके ना पीडीएच कॉम्प्लेक्स की फिगर दिखाती हूं. ये देखो पीडीएच कॉम्प्लेक्स में, ये देखो कोई आ रहे. ठीक है, सो अगर आप पीडीएच कॉम्प्लेक्स की एग्जाम्पल भी लिखो तो उसमें भी कोई एंजाइम ए आ रहा होता है, वो भी ये चल जाएगा. ठीक है, Why its deficiency causes anemia? जी कौन आएगा इसकी deficiency anemia क्यों करता है? Senile और anemia का relation repeat करते हैं. चलो मैं अभी repeat करती हूँ, यहीं से repeat करती हूँ. बात सुनो, anemia heme synthesis का पहला step है glycine plus succinyl को A. ठीक है, हाँ शाबाश. अगर succinyl succinate है आपकी बॉडी में लेकिन pantothenic acid नहीं है, coenzyme है ही नहीं, succinyl को बनेगा ही नहीं. succinyl को is the active form. ठीक है, उसके बगैर heme नहीं synthesize होता. अगर pantothenic acid की deficiency है, coenzyme A नहीं बन रहा, succinyl को नहीं बन रहा, तो heme नहीं बन सकता, there will be anemia. ठीक है, formation of succinyl को. ठीक है, जिस बच्चे ने पूछा था उसको समझ आई है. हो गए बच्चों, अब आज जो है आपके दो ही विटामिन रह गए हैं, B9 और B12, जो कि सबसे ज्यादा लंबे विटामिन है और जिनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सो आप लोग ब्रेक ले लो. अब हम चूंकि जल्दी फारिग हो गए हैं तो हम 10 बजे तक ब्रेक ले लेते हैं. ठीक है, 10 बजे तक ही था ना, 10 बजे अगली क्लास होनी चाहिए कि नहीं? एक मिनट में स्केड्यूल देख लो. चलो अच्छी बात है, लंबी नाश्ता भी कर सकते हैं. ठीक है, चलो बच्चों आप लोग 10 बजे ब्रेक ले लें. प्लीज शार्पली 10 बजे आ जाओ क्योंकि ये जो अगले दो विटामिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, ये क्लास में एंड करूंगी, नेक्स्ट क्लास का लिंक दोबारा भेजूंगी, वो आपने दोबारा से लिंक ज्वाइन करना. ठीक है जी. अगर क्वेश्चंस हैं तो मैं वेट कर लेती हूँ, बाकी बच्चे आराम से साइन ऑफ हो जाए. ओके बच्चों.